पितृ पर्वत पर चल रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई साधु संतों का जमावड़ा रहा। इसी के साथ समारोह में जूना पीठाधीश्वर संत अवधेशानंद ने पितरेश्वर को तीर्थ स्थल घोषित किया। वहीं इस बात की घोषणा होते ही सभी संतों ने खड़े होकर शंखनाद किया। 14 फरवरी से चल रहे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लोग प्रवचन हॉल में हनुमान चालीसा के साथ ही सुंदर कांड पढ़ने में लगे हुए हैं, तो एक स्थल पर संतों द्वारा धुनी रमाई जा रही है। प्रवचन सुनने के लिए भी कई श्रद्धालुओं का पितृ पर्वत पर डेरा लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पितरेश्वर पर विराजित हनुमान देश के सबसे बड़े मूर्त स्वरूप हनुमान है। शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा होते ही पितृ पर्वत सबसे बड़ा तीर्थ धाम बन गया है। वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय तथा उनके परिवार ने मूर्ति की विधि विधान से पूजा की। हनुमान जी की मूर्ति पर मंत्रोच्चार के साथ सिंदूरी चोला चढ़ाया गया, साथ ही हनुमान जी को 56 भोग भी लगाया गया। गौरतलब है कि सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह स्वामी चिन्मयानंद महाराज के सानिध्य में हो रहा है। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने बताया कि 9 दिवसीय अति रुद्र महायज्ञ प्रतिदिन सुबह 10 से 1 तथा अपराह्न 3 से 6 बजे तक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हो रहा है। सबसे बड़े तीर्थधाम बन चुके पितरेश्वर में हनुमान जी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब नजर आए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।